दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आपको पता है कि आज आपका मैथ का पेपर है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर हम मैथ के पेपर को कुछ ट्रिक्स बता दीजिए, कुछ टिप्स बता दीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें बता दीजिए कि हम पेपर को किस तरीके से करें कि एग्जामिनर को मतलब अच्छा नंबर दे, राइट। तो उन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गणित का पेपर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। तो देखो, गणित में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है, और उन्हीं चीज़ों को आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका समय ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। फिर बोलोगे कि सर हमें सवाल आता था लेकिन हम कर नहीं पाए, समय नहीं बचा, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें समझो ज़रा। सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले जो 15 मिनट मिलती हैं पेपर पढ़ने के मिलती हैं पढ़ने के लिए, तो पहले तो आपको पेपर पूरा पढ़ना है, पेपर पूरा पढ़ना है, ध्यान से समझ लेना, पूरा पढ़ लो, ठीक है। एक कच्ची पेंसिल ले लेना, जो आपको लगे कि हाँ आप उसको एक क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो सॉल्व, जो जिसको आपको पूरा भरोसा है, तो उस पर टिक लगाते रहो, तो उससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा, और उसको ये पता रहेगा कि हाँ ये सवाल आप कर लोगे। और जितने भी चॉइस वाले प्रश्न हैं, चॉइस वाले, जैसे कि आपको दो सवाल दे रखे हैं, एक और दो, इनमें से एक करना है, तो आप जो आपको आता है, सबसे अच्छा आता है, उसको टिक लगा लीजिए, उसको ही करना है, राइट। जिस पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है उसको नहीं करना है। और एक इस तरीके से आ जाए कि दो सवाल इस तरीके से आ रहे हैं जिसमें से एक तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, दूसरे पर आधा को आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं आधा कर लूँगा लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो फिर उसको करो जो आधा कर लोगे, जो नहीं आता बिल्कुल उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे करना है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानो, सबसे पहले कैसे करना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिला, पहला प्रश्न बहुविकल्पीय रहते हैं, ऐसा मिला कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, ए 7π/6, बी 5π/6, सी π/3 और डी π/6। तो एग्जामिनर देखो, आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लिख देते हैं पूरा, फिर नीचे ये लिख देंगे कि ये सही है, फिर आगे टिक लिख देंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। उत्तर पुस्तिका होती है पेपर में ये बोर्ड की, इसमें केवल उत्तर लिखने होते हैं, प्रश्न नहीं लिखना होता है, इसलिए आप अपने समय को बचाना, और आपको क्या लिखना है, इसे लिख देना उत्तर, ठीक है। उत्तर लिख दोगे उत्तर, और उसके बाद में जैसे बीच से में डाल देना उत्तर, ठीक है, उत्तर और प्रश्न संख्या एक। हम किसका उत्तर लिख रहे हैं प्रश्न संख्या एक, बीच में लिख देना पेपर कॉपी पे, जैसे कॉपी है, कॉपी का पेज है ये, उस पर लिख देना, बीच में मेन हेडिंग टाइप का लिख देना। फिर पहला प्रश्न उत्तर लिख देना, उत्तर कितना, पहले का क्या, तो उसमें मान लीजिए आपका विकल्प ये वाला सही है, इस वाले प्रश्न का ये वाला विकल्प सही है, तो आपको कैसे लिखना है, विकल्प बी, ठीक है। आप कुछ क्या करते हैं, विकल्प बी सही है, ऐसे लिख दीजिए, विकल्प बी सही है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना, विकल्प बी सही है, ऐसे ही। अब खे का क्या है, विकल्प डी सही है, इस तरीके से आपको लिख देना, जो भी विकल्प सही है वो लिख देना है। अब पूरा करने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब के जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं ये तो हो जाएंगे, अब इससे आने वाले छोटे छोटे प्रश्न, यदि आप क्या करते, छोटे वाले प्रश्न एक आ रहा है, एक छोटा प्रश्न है आपका, जैसे कि 2 नंबर का या 3 नंबर का, उसमें से एक पर आप अटक रहे हो, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर वाले में चॉइस नहीं मिलती है, लिखा रहता है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए, तो आप क्या करते हो, जैसे कि उनमें से कोई ना कोई ऐसा प्रश्न होता है जो हम पे सॉल्व नहीं होता है, तो हम उसी प्रश्न को लेकर बैठे रहते हैं, उसी को करते रहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जो सवाल ना आए उसको तुरंत छोड़ देना और अगले सवाल पर बढ़ जाना है। और ऐसा भी नहीं करना, याद रखना, ऐसा भी नहीं करना है, जैसे कि आप मान लीजिए दूसरे का कह कर रहे हो, और दूसरे का आपने खै नहीं आ रहा आपको सवाल, और दूसरे का गै आता है, तो आपने खै के लिए जगह छोड़ दी, उसके बाद में कि हम बाद में कर लेंगे, ऐसा मत करो, दूसरे का कह कर दिया तो उसके बाद में खै नहीं आ रहा, छोड़ दो, गै कर दो उसके बाद में, तुरंत बाद में, ठीक है। जहाँ पे जगह मिले, चाहे पेपर की कॉपी के बाद में जगह मिले, तो लिख देना प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का खै, बाद में कर देना, बीच में जगह मत छोड़ना, भद्दी लगती है कॉपी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक खास बात कि जितने भी 5 व 8 अंक के सवाल हैं, जितने भी 5 व 8 अंक के सवाल हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको सबसे पहले तो वो प्रश्न करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, फिर उसके बाद में चाहे 1 या 2 नंबर वाला एक का क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन 8 और 5 अंक का एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर करके आना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका 5 5 5 नंबर के 4 सवाल करने हैं आपको,
और आपको पहला सवाल ही आपको आधा आता है तो आपने वही कर दिया, नहीं उसको बाद में करो। सबसे पहले वो तीन जो आते हैं चार में से उनको अच्छी तरह से कर दीजिए और फिर उसके बाद में लिख दीजिए, जो कम आता है उसको बाद में लिखिए, ठीक है। आठ आठ नंबर के प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से बहुत अच्छे से करना है, कोई भी बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, कुल मिला के बात ये। और हाँ, एक आध सवाल ना आता हो, जैसे चाहे आठ नंबर का एक आध छूट जाए या चार नंबर का छूट जाए या आपका एक नंबर का बहुविकल्प कोई भी छूट जाए, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस लोगे तो आपका आज का तो पेपर ख़राब होगा ही होगा, उसकी टेंशन में अगले पेपर को ख़राब कर लोगे। और हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स की तैयारी कराइए, तो फिजिक्स की तैयारी भी कराएंगे, केमिस्ट्री की भी कराएंगे, बस आज का पेपर आप अच्छे से दे लीजिए, ठीक है। मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छे, मैं तो कहूँ कि आपके सभी के 100 में से 100 नंबर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, ठीक। और अपना हल्का खाना खा के जाना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर देना, ठीक। बाकी मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।